हेलो एवरीवन, आई एम आत्रेयी। वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे इकोज आत्रेयी। आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में आप लोग देखे हैं कि हम लोग मुसौरी पहुंच गए हैं। बहुत सुंदर रास्ता था ऋषिकेश टू मुसौरी आने का, और हम लोग पहुंच गए। हम लोग का रिजॉर्ट जहां पे हम लोग रुके थे वो है स्टर्लिंग। तो स्टर्लिंग मुसौरी में हम लोग पहुँच गए हैं। स्टर्लिंग मुसौरी बहुत सुंदर है और ये पहाड़ के बहुत ऊपर में है, पहाड़ के क्लिप में बना हुआ है, और इसका जो नज़ारा है ब्यूटीफुल, और इनका जो सर्विस था वो बहुत सुंदर था। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। पहुँचने के बाद ही रिसेप्शन में आईडी कार्ड से लेके सब कुछ फॉर्मेलिटीज़ कर रहे थे। यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा सजा हुआ था पॉटपोरी, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। यहाँ पे उन लोगों का प्रॉपर्टीज़ का एडवर्टाइजमेंट चल रहा था, बहुत सुंदर है। और ये है मैप, कहाँ कहाँ पे स्टर्लिंग है उसका एड्रेस है। और यहाँ पे हम लोग सब कुछ देख रहे थे प्रॉपर्टी को घूम के, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम मुसौरी स्टर्लिंग में रुके हैं। और मुझे वेलकम ड्रिंक्स मिला था और ये पीते पीते मैं बाहर आ गई थी, और यहाँ पे आके मतलब आश्चर्य हो गई। इतना सुंदर लग रहा था वादिया, और जो इतना पीछे पीछे छोटा फूट हिल्स दिख रहा है वो सब हिमालय का फूट हिल्स हैं, और यहाँ से हिमालय दिखता भी है। उस दिन क्लाउडी वेदर था और दोपहर का 3 बज गया था। जैसे 3 बजा तो क्लाउड्स आके पूरा कवर कर दिया है पूरे रिजॉर्ट को। तो इतना मतलब जस्ट लाइक का कोडाई कनल, मैं कोडाई कनल में भी यही एक्सपीरियंस मतलब फील की थी, वही एक्सपीरियंस यहाँ पे भी। मतलब जैसे दोपहर का 2-3 बज जाता है, उसमें क्लाउड्स पूरा आके कवर कर लेता है, इसीलिए दूर में जो हिमालय का पीक और नहीं दिख रहा है, बट छोटा छोटा फूट हिल्स दिख रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। उसके बाद हम लोगों को एलोकेट कर दिए थे, हम लोग रूम्स दे दिए थे। यहाँ पे पैनोरेमिक व्यू है हिमालयन रेंज का, ये बहुत सुंदर है। ये रेंज हम लोग देखे भी है, हम शेयर करूँगी आप लोगों का साथ। यहाँ पे मम्मी पापा का रूम मिला जो रिसेप्शन से नज़दीकी मिला था इन लोग का रूम, बट हम लोग का रूम थोड़ा डिफरेंट जगह पे मिला है, एक साथ दोनों रूम नहीं मिला। इन लोग का रूम भी बहुत सुंदर है, बहुत कोजी एंड बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड और नीट एंड क्लीन, सबसे बड़ा चीज़ है ये, क्योंकि इन लोग का होता ही है। और अभी देखिए जैसे रिद्धि ने कर्टन हटाई और मुझे क्या दिखा है, देखिए ऑसम व्यू, ऑसम व्यू। एक बहुत बड़ा ग्लास था जहाँ पे कर्टन हटाए, तो उसके बाद फिर दिखा इतना सुंदर व्यू। फिर हम लोग वहाँ से उतर के फिर हम लोग जा रहे हैं हम लोग का रूम, मतलब मम्मी लोगों का जो खिड़की है वहाँ से हम लोग का रूम दिख रहा है। एक्चुअली हम लोग का दूसरा बिल्डिंग में मिला। ये है हम लोग का रूम। ये रूम में भी घुसते हुए मैं एकदम बहुत खुश हो गई, बहुत सुंदर था। यहाँ पे खाने वाने का चीज़ें, कॉफ़ी वॉफ़ी बनाने का कुछ माइक्रो ओवन था, कुछ चीज़ अगर गर्म करके खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। ये भी कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा था रूम का। जो हिल स्टेशन में जो अर्थी कलर होना चाहिए वो वाला कलर यूज़ किए थे, और यहाँ का भी नज़ारा देखिए कितना सुंदर है। यहाँ पे एक छोटू सा कोजी एक बालकनी भी था, जो मुझे देख के मैं तो बहुत अट्रैक्ट हुई थी, और मैं दरवाज़ा खोल के फिर तुरंत गई। यहाँ पे 2 सीट भी था, चेयर था, और यहाँ से देखिए बालकनी से इसका व्यू देखिए कितना सुंदर है, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर है मुसौरी, रियली ब्यूटीफुल। और पहाड़ का जो ठंड हवा होता है ना वो हमेशा बह रहा था, माउंटेन ब्रीज जिसको बोलते हैं, बहुत सुंदर। मैं तो थोड़ा सा छोटा सा व्लॉग के लिए मैं वीडियो बना ली थी, और बहुत ही मतलब खुश थी मैं, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि देहरादून तो प्लेन लैंड में था, जिसकी वजह से वहाँ पे गर्मी अच्छा खासा गर्मी था। जैसे देहरादून को बाईपास करके हम लोग मुसौरी तरफ आए तो उसके बाद थोड़ा सा शांति मिला। और वेल डेकोरेटेड यहाँ पे एक कॉट भी था छोटा सा, बहुत सुंदर था। और यहाँ पे देखिए हिल स्टेशन में एकदम ये जो मंथ होता है मार्च अप्रैल, इस टाइम पे पूरा एकदम वैली सब फ्लावर में भरा रहता है और बहुत ग्रीनरी दिखता है। और ये तो मतलब हिल स्टेशन वैली का ब्यूटी है, ये हमेशा रहता है हर जगह पे, बहुत सुंदर। और ये है एडवेंचर रूम, एक्टिविटीज़ रूम बच्चे लोगों के लिए। जिया तो ये रूम में घुसते ही वो अपना सब इंडोर गेम्स खेलना स्टार्ट कर दिए हैं, और इन लोग का एडवेंचर्स वाला भी है वो आउटसाइड में, वो भी मैं दिखाऊंगी। तो ये है रेस्टोरेंट। हम लोग को पहुँचते ही हम लोग बहुत ज़ोर से भूख लगा था। रेस्टोरेंट भी पूरा ग्लास से मतलब भरा है, ग्लास से मतलब बनाया गया है ताकि बाहर का वादिया और नेचर ब्यूटी सब कुछ आप लोगों को दिखे, इवन हिमालय का पीक भी दिखे। आप लोग सोच रहे हैं यहाँ पे मैं क्या कर रही थी, मैं एक वॉइस ओवर कर रही थी व्लॉग का, क्योंकि मेरा पास बहुत सारा चीज़ जम गया था जो मैं अपलोड करने का टाइम नहीं हो रहा था, वॉइस ओवर कर रही थी मैं उस वहाँ पे, और इंटरनेट भी हर जगह पे अच्छा नहीं था तो इसीलिए यहाँ पे मिला था। फिर खाना आ गया था, हम लोग थोड़ा बहुत दोपहर का 3:30-4 बज गया था तो थोड़ा बहुत स्नैक्स ही खा ली थी। खाना तो बहुत टेस्टी था, यहाँ पे चाउमीन और उसके साथ चिली चिकन, सैंडविच, फ्रेंच फ्राइज, हल्का फुल्का ही खाना ले ली। पापा बोले कि मेरा पेट भरा हुआ है, मैं नहीं खाना खाऊंगा, तो पापा नहीं आए थे। अभी 6:20 हो रहा है, आप बाहर का मौसम देखिए तब भी कितना धूप है। मैं ये चीज़ मतलब गौर की थी, शाम को 7 बजे तब जाके अंधेरा हुआ है, 6:20 में भी कितना धूप है और कितना सुंदर लग रहा है। देखिए जैसा लग रहा है कोई सोना डाल के रख दिया है पहाड़ का ऊपर। फिर शाम हो गया है, शाम को हम लोग सोचे कि मॉल रोड घूम के आएंगे, क्योंकि करना ही क्या था। तो यही सोचते सोचते फिर रिसेप्शन एरिया में आई और शाम को अच्छा खासा ठंड भी था, वहाँ पे 10 से 12 डिग्री 13 डिग्री ऐसा ही टेम्परेचर था। यहाँ से देखिए मसूरी का सिटी दिख रहा है इस साइड में, और मेरा राइट हैंड साइड में जो छोटा छोटा एकदम लाइट्स दिख रहा है वो है देहरादून सिटी। ये है मसूरी सिटी, और देखिए ये है राइट हैंड साइड में जो छोटा छोटा लाइट दिख रहा है ये है देहरादून सिटी। रात का व्यू यहाँ से देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सच में लग रहा था कि इस बालकनी से अंदर जाओ नहीं, मतलब घर के अंदर घुसने का मन ही नहीं कर रहा था। यहीं पे खड़े रह के चुपचाप शांत मतलब एनवायरनमेंट है, यहाँ पे बैठे ही रहूँ, बहुत सुंदर है। नाइट व्यू का कुछ पिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये है मसूरी का नाइट व्यू, और ये है वही मसूरी का ही है, और ये जो है छोटे छोटे लाइट्स ये है देहरादून टाउनशिप का व्यू। देखिए कितना सुंदर कितना प्यारा लग रहा है। फिर उसके बाद हम लोग का कैब आ गया, हम लोग बाहर में थोड़ा सा वेट कर रही थी, वो आ ही रहा था। तो उसके बाद फिर हम लोग गए मॉल रोड, तो यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर ली। मम्मी पापा को भी लेके ही आई थी साथ में, वो लोग भी मसूरी घूम लिया हम लोग का साथ। उसके बाद फिर हम लोग मॉल रोड के लिए निकली हो। मॉल रोड तो हर हिल स्टेशन में रहता है, आप मनाली जाइए, दार्जिलिंग जाइए, गैंगटॉक जाइए, हर जगह पे आपको मॉल रोड मिल जाएगा। तो ये भी मसूरी का मॉल रोड है। तो मॉल रोड जाने के लिए वही रास्ता है, एक्चुअली स्टर्लिंग है बहुत पहाड़ के ऊपर में, इसीलिए मसूरी सिटी को इतना सुंदर दिख रहा था। जाते जाते भी राइट हैंड साइड में ये सिटी का नज़ारा दिख रहा था, बहुत सुंदर है। अब हम लोग पहुंच गए हैं मॉल रोड। मॉल रोड ऐसे ही बहुत क्राउडी और थोड़ा सा हैपनिंग वाला जगह है, जो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा था। और हल्का हल्का ठंडा हवा बह रहा था, ऊपर से हम लोग कोट वूट पहन के गए थे, बहुत ही मतलब सूदिंग लग रहा था। इतना भी नहीं कि बहुत चिल्ड है और बहुत गर्मी है, तो सूदिंग है। कोट जो कैरी की थी वो एकदम परफेक्ट था। यहाँ का सूट का कढ़ाई का काम भी बहुत सुंदर था, और यहाँ पे खाने होने का भी बहुत फूड स्ट्रीट ये सब तो बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे जंक ज्वेलरीज, ड्रेसेस, बहुत सारी चीज़ यहाँ पे सेल हो रहा था। बट मैं कुछ शॉपिंग नहीं की, क्योंकि ये विंटर का भी बहुत सारी चीज़ मिल रहा था, मेरा ये सब चीज़ ऑलरेडी है। मम्मी कुछ कुछ शॉपिंग की है, उनका शॉपिंग करने का थोड़ा सा है शौक़, तो मम्मी ने कुछ किए हैं, मैं कुछ नहीं की। और ये जो उपहार वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, इसका नाम मैं बहुत सुनी हूँ, यहीं पे हम लोग रात का डिनर की हूँ। तो ये जो सॉफ्टी आप देख रहे हैं, मतलब ये देख के रिद्धि इतना खुश हुई, उसको पकड़ के फ़ोटो भी ले ली। देखिए एक फ़ोटो भी मैं खींच के दी थी उसका। तो और यहाँ पे घी में तला हुआ जलेबी और उसके साथ रबड़ी, मतलब ठंडा रबड़ी और घी का तला हुआ जलेबी, उसका टेस्ट ही कुछ अलग था। उसके बाद फिर हम लोग सॉफ्टी भी खाए, और हम लोग डोसा ऑर्डर किए थे। रात हो गया था तो हम लोग सोचे डिनर कर लेंगे, तो डोसा मसाला डोसा इतना अच्छा मसूरी में मिल जाएगा और उतना ही टेस्टी सांभर का साथ, ये हम कभी सोची नहीं थी। ये आ गया हम लोग का जलेबी और उसके साथ ठंडा ठंडा रबड़ी, ये खाने का मज़ा ही कुछ अलग है, बहुत टेस्टी था, बहुत मतलब फिंगर लिकिंग वाला टेस्ट था। और उसके बाद फिर हम लोग ले लिए सॉफ्टी। तो सॉफ्टी ठंड की जगह पे आप जाके अगर सॉफ्टी खाएंगे ना, उसका मज़ा ही कुछ अलग है। तो ठंड तो उतना भी नहीं है ना चिल्ड वाला, तो बच्चा और मैं खूब मतलब बहुत एंजॉय करके सॉफ्टी भी खाई। उसके बाद मॉल रोड घूमने का बाद बहुत अच्छे से थोड़ा सा टहल ली इधर से उधर। उसके बाद फिर और एक कैब करके फिर हम लोग आ गए हम लोग का रिजॉर्ट में। वहाँ पे आके फिर देखिए आते आते कितना सुंदर लग रहा था। उसके बाद फिर ये जगह मुझे बहुत अच्छा लगा। फ्रीडम फाइटर्स लोगों का कुछ कुछ पिक्चर्स यहाँ पे दिया गया था और रिफ्लेक्शन हुआ था लाइट के साथ, वो बहुत सुंदर था। चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रख रही हूँ। अगर आप लोग नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और फिर मुलाकात होगा नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। और जो लोग नए हैं ऑब्वियसली सब्सक्राइब कीजिए और आप आपका फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए मेरा ब्लॉग्स, ताकि मुझे ब्लॉग बनाने में और भी एंथू मिले। चलिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।